हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंड्रे देतीमन। आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ का इतिहास। जिस तरीके से हमने मेवाड़ का इतिहास बहुत अच्छे से समझा, उसी तरीके से हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। वो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना होती है और यहाँ पर हमें पढ़ना है जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक और बीकानेर में राठौड़ वंश के शासक। ठीक है, किस तरीके से सबसे पहले जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना होती है और उसके बाद इसकी एक शाखा जो है वो बीकानेर में भी स्थापित होती है। तो थोड़ा सा मैप की तरफ हम देख लेते हैं कि मारवाड़ जो है वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता था राजस्थान में। देखिए, ये जो एरिया था इसे हम मेवाड़ के नाम से जानते थे। राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था जहां पर मेवाड़ था और मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं मेवाड़ जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है गुहिल वंश का शासन रहा और गुहिल वंश जो है वो आगे चल के सिसोदिया वंश में परिवर्तित हो जाता है। गुहिल वंश के जो अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है पराजित होते हैं, तो यहाँ पर रावल शाखा जो है यहाँ इनकी समाप्ति हो जाती है और गुहिल वंश जो है वो सिसोदिया वंश में परिवर्तित हो जाता है। गुहिल वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के आगे क्या लगा रहे थे, रावल लगा रहे थे, और सिसोदिया वंश के जो शासक थे वो अपने नाम के क्या लगाने लगे, राणा महाराणा लगाने लगे, राणा मोकल, राणा लाखा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ठीक है, राणा कुंभा। तो जिस तरीके से मेवाड़ में गुहिल वंश और सिसोदिया वंश का शासन रहा, उसी तरीके से राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग था यानी कि बीकानेर, जोधपुर, पाली, ठीक है, ये जो भाग था नागौर, यहाँ पर जो है वो मारवाड़ था और मारवाड़ में जो वंश था जिनका शासन था तो वो थे राठौड़। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मारवाड़ में किसका शासन था, राठौड़ वंश का शासन था। यहाँ पर राठौड़ राज्य जो है वो स्थापित होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाली में, यहाँ पर जो है पाली में सबसे पहले राव सिहा के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। तो जो राठौड़ के मूल पुरुष थे, जोधपुर पाली के जो मूल पुरुष थे वो कौन थे, राव सिहा थे। हालांकि पाली तक ही जो है ये अपना राज्य स्थापित कर पाए थे, आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन इसके बाद जो है राव चूंडा आते हैं और वो अपना थोड़ा सा राज्य जो है उसका विस्तार करते हैं, मंडोर पर अधिकार करते हैं, मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, और राव चूंडा के बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं राव रणमल। राव रणमल कौन है, जिनके बारे में मेवाड़ में भी हमने पढ़ा था, ये वही राव रणमल हैं जो कि बड़े बेटे थे राव चूंडा के, और इनको जो है उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इनके पिता ने कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया और ये उसके बाद सूझबूझ से अपनी बहन की शादी हंसाबाई से कर देते हैं मेवाड़ के शासक राणा लाखा से और मेवाड़ में जो है यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद राव रणमल के बाद जो है वो राव जोधा होते हैं। तो राव जोधा ये वही हैं जो कि जोधपुर पर अधिकार करके जोधपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है, और जोधपुर नगर बसाते हैं 1459 को। राव जोधा के बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे राव मालदे। तो थोड़ा सा सिक्वेंस जो है वो भी ध्यान में रख लें, कौन सा शासक जो है वो कब आया। ठीक है, राव मालदेव के बाद आते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन वही जिनको भूला विसरा राजा भी कहा जाता है, इनकी तुलना जो है वो किससे की जाती है, महाराणा प्रताप से की जाती है। तो अभी तक के जो शासक थे तो वो बलपूर्वक जो है वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं। इसके बाद के जो शासक रहे मारवाड़ के तो वो क्या करते हैं, जहां पर हम उदय सिंह की बात करें, मोटा राजा उदय सिंह की, तो ये जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि इससे पहले के जो शासक हैं मारवाड़ के तो वो अपने क्षेत्र का विस्तार जो है वो अपने बलबूते पर करते हैं, लेकिन राव चंद्रसेन के बाद जो मोटा राजा उदय सिंह है यहाँ पर ये अकबर की अधीनता जो है स्वीकार कर लेते हैं और यहाँ पर अकबर जो है इनको जोधपुर का प्रशासक जो है वह नियुक्त कर देता है। ये उदय सिंह जो है वो राव चंद्रसेन के ही भाई है। उसके बाद राठौड़ों की एक शाखा जो कि कहाँ चली जाती है, बीकानेर चली जाती है, और राव जोधा के जो पुत्र थे राव बीका,
तो इनका इनके पिताजी से थोड़ा सा जो है वो अनबन हो जाता है राव जोधा से, और ये बीकानेर में आकर जो है राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि जो पाली है जोधपुर पाली, यहाँ पर जो है राठौड़ वंश की स्थापना सबसे पहले राव सिहा के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो मूल पुरुष आदि पुरुष जो है किसको कहा जाता है, राठौड़ वंश का राव सिहा को। उसके बाद जोधपुर को अपनी राजधानी कौन बनाते हैं, राव जोधा बनाते हैं 1459 ईस्वी में। उसके बाद इन्हीं का पुत्र राव बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है, तो ये आप ये याद रखिएगा। उसके बाद राव बीका के बाद जो है वो राव लूणकरण आएंगे। राव लूणकरण जो है इन्हीं के बेटे राव बीका के हैं। राव जैतसी आएंगे उसके बाद, तो ये क्रम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राव जैतसी के बाद जो है वो कल्याणमल आएंगे, राव कल्याणमल। तो यहाँ राव कल्याणमल जो है वो इनके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाती है। अभी हमने क्या देखा कि जब हम देख रहे थे जोधपुर के राठौड़ वंश, तो जो मोटा राजा उदय सिंह है ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं, इससे पहले के शासकों के द्वारा जो है वो नहीं की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बीकानेर में राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की जाती है। इसके बाद लूणकरण है, राव जैसी है, राव कल्याणमल जो है ये करते हैं मुगलों की अधीनता स्वीकार। इनके बेटे जो हैं आते हैं राय सिंह, ठीक है। तो ये भी मुगल दरबार में बहुत ज्यादा समय इनका रहता है। उसके बाद जो है इनका बेटा कर्ण सिंह आता है। अब चलिए हम नोट्स के माध्यम से हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट कि मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना किसने की, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने की। मारवाड़ राज्य के इतिहास की रचनाकार कौन है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ हैं, जिसमें मारवाड़ के जितने भी प्रतापी शासक हुए हैं इस वंश के उनके बारे में रचित है। मारवाड़ के राठौड़ में सबसे पहले हैं जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक। इनकी जो कुल देवी रही है वो है नागरेची माता। तो इनकी कुल देवी कौन थी, नागरेची माता। और ये अपनी उत्पत्ति जो है वो कन्नौज के गहड़वाल से मानते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान थी, ठीक है। कुछ मानते हैं कि जो है ये सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी जो है वो कौन कौन मानते हैं, तो दयालदास हैं, कर्नल जेम्सटॉड हैं, ये कहते हैं कि राठौड़ जो है वो सूर्यवंशी हैं, ये भल्ले राव ब्राह्मण भल्ले राव की संतान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नल जेम्स टॉड का भी यही कहना है कि राठौड़ जो थे वो सूर्यवंशी थे। लेकिन जो नैन्सी हैं वो कहते हैं कि ये कन्नौज से आने वाली शाखा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राठौड़ की उत्पत्ति के संबंध में सभी का एक मत नहीं है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये जो है वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट जो है वहां से संबंधित तो रहे हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा राठौड़ कहाँ के प्रसिद्ध हुए हैं, बीकानेर के और जोधपुर के। तो राठौड़ के जो संस्थापक हैं वो हैं राव सिहा, 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। तो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष किसे माना जाएगा, राव सिहा को माना जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो राव सिहा थे ये मारवाड़ के केवल एक छोटे से भाग जो है वो पाली, तो यहां पर ही अपना राज्य स्थापित कर पाए थे, ठीक है। सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी थी मगर इसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए थे। और इनका जो शासन का समय रहा वो 1240 से लेकर 1273 तक रहा। राठौड़ों के आदि पुरुष कहा जाता है इनको। इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ा बालोतरा को बनाया, ठीक है। मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1273 में हुई थी, पाली के मीठू गांव में। ये आपको ध्यान में रखना है, आदि पुरुष हैं राठौड़ वंश के, तो इनके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने पाली जो है यहाँ पर छोटे से भाग में ही जो है मारवाड़ के यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया और मृत्यु इनकी यहीं पर होती है। मीठू गांव में ही इनकी पत्नी के सती होने की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट जो शासक हैं राव सिहा के बाद ये थे मल्लीनाथ। राजधानी इन्होंने नाकोड़ा को बनाया, और सभी जानते हैं कि जब हम लोक देवता पढ़ते हैं तो वहां राव मल्लीनाथ का नाम आता है, तो लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। और मल्लीनाथ जी का जो है वो पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट जो प्रतापी शासक हुए वो हुए राव चूंडा। इनका शासन का समय रहा 1394 से 1423 ईस्वी का। तो इन्होंने अपने साहस और कूटनीति से मंडोर पर अधिकार किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है वो मंडोर को राठौड़ों की क्या बनाया था, राजधानी बनाया था।
यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। तो सबसे प्रथम जो साहसी शासक हैं वो कौन है? राठौड़ों के राव चुंडा। इनका बड़ा बेटा था रणमल और छोटा बेटा था कान्हा, और कान्हा की जो माँ थी उसका नाम क्या था? किशोर कंवरी। तो इन्हीं से सबसे ज्यादा राव चुंडा जो है वो प्रभावित रहते थे। तो यहाँ पर रणमल और कान्हा की एक बहन भी थी और वो थी हंसा बाई। ठीक है, कहानी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि राव चूंडा ने मंडोर यानी जोधपुर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को जो कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, तो जोधपुर को नहीं, मंडोर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और राव चूंडा ने किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर अपने छोटे बेटे जो कान्हा है उसको उत्तराधिकारी बनाया था। तो राव चूंडा की पत्नी जो थी चांद कंवर, इन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण जोधपुर में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। यहाँ पर वही चीज की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राठौड़ शासक जिन्होंने सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी बनाया तो वो कौन थे? राव चूंडा। और राव चूंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण जो है वो जोधपुर में करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मंडोर के अधिकार करने के बाद राव चूंडा जो है ये आसपास के जो क्षेत्र हैं डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल, यहाँ पर भी जो है वो अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और जो पुंगल के जो भाटी थे इनके द्वारा धोखे से जो है 1423 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है राव चूंडा की। नेक्स्ट महत्वपूर्ण शासक देखिए राव रणमल, 1427 से लेकर 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज हो जाता है और कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। और योजना बनाता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले मेवाड़ में जाकर अपनी शक्ति जो है उसको बढ़ाएगा और वापस मारवाड़ पर चढ़ाई करेगा, कान्हा को दोबारा से पराजित करेगा। तो रणमल जो है वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से कर देता है। इस शर्त पर करता है कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का राजा बनेगा। बहुत ही लंबी योजना जो है इसके दिमाग में चलती है। और मेवाड़ का राजा जो बनता है बाद में शर्त के मुताबिक, तो वो बनता है मोकल। ठीक है, तो मेवाड़ में जो है वो रणमल की एंट्री हो जाती है। मोकल जो है कम छोटी उम्र के थे तो यहाँ मोकल के संरक्षक के रूप में ये यहाँ रहने लगते हैं ताकि यहाँ पर जो है वो प्रभाव अपना जमा सके। यहाँ राव चूंडा जो है रणमल के पिता, तो इनकी 1423 ईस्वी में पुंगल के भाटियों द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। और वहीं पर कुछ समय के बाद में 1428 ईस्वी में इनका जो छोटा भाई था कान्हा, जो कि उत्तराधिकारी बन गया था मारवाड़ का राजा बन गया था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब कान्हा का जो है एक बेटा होता है उसका शासन जो है वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, इतना देखभाल जो है वो नहीं कर पाया था। तो यहाँ मौका मिलते ही राव रणमल जो है वो मारवाड़ पर यहाँ पर मंडोर पर वापस चढ़ाई कर देता है और यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है और मारवाड़ का नया राव जो है वो राव रणमल बन जाता है। अब जो ये है अपना जो है क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में सोचता है तो कई जो है वो गलत कार्य भी करता है। यहाँ के मारवाड़ की जो जनता थी वो इससे खुश नहीं थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। तो कुछ समय बाद जो है वो रणमल की भी हत्या जो है हो जाती है, वो भी एक योजना के तहत ही होती है। और इसकी हत्या जो कि इसकी जो प्रेमिका थी रणमल की भारमली, उसके द्वारा जहर देने से कर दी जाती है। तो देखिए रणमल का जो बेटा था पुत्र राव जोधा और उसकी बेटी थी श्रृंगार देवी, यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा का बेटा था रायमल, तो इनका विवाह जो है वो होता है और ये विवाह जो है वो 1453 ईस्वी में होता है। इसे आवल बावल की संधि कहा जाता है। ये संधि भी हंसाबाई के कहने पर ही की जाती है ताकि जो बिगड़े हालात थे मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में ये सही हो सके। ठीक है, जो कि रणमल के द्वारा जो है इनमें खटास उत्पन्न हुई थी। तो राव जोधा की बेटी जो श्रृंगार देवी थी इसका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र जो है रायमल इनके द्वारा किया जाता है और इस संधि को कहा जाता है आवल बावल की संधि। कब हुई थी? 1453 ईस्वी में हुई थी। और रणमल जो है इसकी हत्या 1438 ईस्वी में हुई थी प्रेमिका भारमली द्वारा जहर देने से। नेक्स्ट जो शासक हैं रणमल के बाद में इनका बेटा था राव जोधा, 1438 से 1489 ईस्वी तक इसका शासन का समय रहा। 1453 ईस्वी में इसने जो है वो मंडोर को जीता। ठीक है, तो राव जोधा जो है वो मारवाड़ के जो राव रणमल थे इनका बेटा था, याद रखिएगा। और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की जब हत्या हो जाती है
तो उसके बाद जो है इसने जंगलों में रहकर जो है वो अपनी शक्ति का संगठन किया। अब जो पिताजी जो है जो इस तरीके से थे, तो बेटा जो है उसको कौन इतनी जल्दी जो है वो अपनाएगा, यानी कि यहाँ की जो जनता थी वह भी नाखुश थी। तो दोबारा से अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए जंगल में रहते हैं ये राव जोधा, और 1453 ईस्वी में मंडोर पर चढ़ाई करते हैं और उसे जीतने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, और इसने जो है वो मेवाड़ से सुलह करने के लिए क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि अपनी बेटी का विवाह जो है वो मेवाड़ के रायमल से कर दिया। ठीक है, और 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया करणी माता की आशीर्वाद से। करणी माता को जो है ये अपनी कुल देवी मानने लगे, जोधपुर को राजधानी बनाते हैं और जोधपुर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण भी कराते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया, राव जोधा ने बनवाया। ठीक है, राव जोधा ने अपनी नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जो है वो एक दुर्ग बनवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग को जो है वो मयूर ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि मयूर की आकृति लिए हुए है ये दुर्ग। इस दुर्ग पर राजिया नामक व्यक्ति के मारे जाने की या फिर उसके बलि की जो है वो बात भी मिलती है। जोधा की पत्नी थी जसमा दे, जिन्होंने रानी सर तालाब जो है वो जोधपुर में बनाया, जोधपुर में पेयजल की पूर्ति करने के लिए। तो राव जोधा के बारे में जो है जो डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा जो है वो क्या कहते हैं कि राव जोधा जो है वो जोधपुर के पहले प्रतापी शासक रहे। राव जोधा के पुत्र का नाम था राव बी का, और ये राव जोधा जो है इनके पिताजी से जो है इनकी अनबन हो जाती है और ये यहाँ से जाकर जो है वो बीकानेर में जाकर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर बसाते हैं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में चामुंडा माता और नागड़ेची माता का मंदिर बनवाया। अब इनकी कुल देवी जो है वो राठौड़ों की प्रारंभ में नागड़ेची माता थी, और करणी माता जो है यह भी इनकी कुल देवी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुलदेवी जो है वो नागड़ेची माता और करणी माता, दोनों ही नाम याद रखिएगा राठौड़ों की। जोधपुर में जो है कुलदेवी नागड़ेची माता थी, और यही नागड़ेची माता जो है वो रूप परिवर्तित करके करणी माता के नाम से बाद में जानी गई। राव जोधा का दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राव जोधा विजयी होते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा क्या कहते हैं कि राव जोधा जो है वो जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक रहे। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक हैं राव सातल, ये सातल किसके पुत्र हैं, राव जोधा के पुत्र हैं। तो बीका बड़े थे फिर भी इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया, राव सातल को उत्तराधिकारी बना दिया यहाँ मारवाड़ में। तो बीका जो है ये यहाँ से जो है वो नाराज होकर चले जाते हैं बीकानेर, और बीकानेर में जाके जो है राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब राव सातल के समय क्या होता है कि यहाँ पर आसपास के जो मुस्लिम सूबेदार थे, जागीरदार थे, मारवाड़ पर बार बार आक्रमण करते रहते थे। तो अजमेर का जो सूबेदार था मल्लू खां, ये एक बार अपने सेनापति गुडला खां के साथ जो है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है क्या करता है, हमला करना प्रारंभ कर देता है, ताबड़तोड़ हमला यहाँ करता है। तो जब वो ये कर रहे होते हैं तो रास्ते में एक गाँव पड़ता है, पीपाड़ गाँव। तो वो ये देखता है कि पीपाड़ जो गांव है इसके तालाब पर कुछ जो महिलाएं थी, सुहागन स्त्रियां थी, वो गणगौर की पूजा कर रही थी। ठीक है, और जो है पूजा करते हुए जा रही थी। तो मल्लू खां क्या करता है, ये जो स्त्रियां थी इनको पकड़ लेता है और अजमेर की तरफ जो है वो रवाना हो लेता है। जैसे ही जो ये न्यूज है राव सातल को मिलती है तो ये वहां पहुंचता है अपनी सेना को लेकर, और मल्लू खां जो है इसका पीछा करता है। तो ये कहाँ जा रहा था, अजमेर जा रहा था उन स्त्रियों को लेकर। तो यहाँ से जो है कोशाड़ा गांव तक ही पहुंचता है, पीपाड़ गांव से कोशाड़ा गांव तक ही पहुंचता है, और यहाँ पर जो है सातल इनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इनको घेर लेते हैं और क्या करते हैं, इनसे युद्ध करते हैं, जिसे कि कोशाड़ा का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध 1492 ईस्वी को होता है। राव सातल जो है विजयी होते हैं इस युद्ध में, और यहाँ पर इनके जो सेनापति थे गुडला खां, इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, और इस गुडला खां का जो सर है वो काट कर धड़ से अलग कर कर उन स्त्रियों को ही सौंप देते हैं, ताकि आगे कोई भी जो है इस तरीके का शासक होगा तो वह दोबारा से ये कार्य नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो है
चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है उसमें गुड़ला निकाला जाता है और गांव गांव में जो है ये मेला लगता है। तो जब हम मेले की बात करेंगे, त्योहारों की बात करेंगे, तो वहां दोबारा से मैं आपको यहाँ पर मल्लू खां और गुड़ला खां की जो कहानी है वो बताऊंगी। तो इन्हीं की जो है याद में मारवाड़ में गुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। मटका सिर पर रखकर जो है ये डांस होता है। नेक्स्ट शासक है राव सातल के बाद में राव गागा। तो राव गागा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं है। 1515 से 1531 तक इनका शासन का समय है। पुत्र कौन है? मालदेव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शासक मालदेव, राव मालदेव, जिनका शासन का समय 1531 से 1562 ईस्वी तक रहा। ये मालदेव वही है जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़े थे। इनको उपाधि मिली थी 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्ध इन्होंने विजय करे। फारसी इतिहासकार इनको हसमत वाला शासक कहते हैं। इनका विवाह जो है वो जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी उमादे इनसे हुआ था। ठीक है, ये वही उमादे हैं जो कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं जिनको। तो इतिहास में इनके बारे में जो है कहा जाता है, कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि ये क्यों रूठी रही थी, क्योंकि एक बार क्या होता है कि राव मालदेव जो कि इनके पास ना आकर किसी दासी के पास जो है चले जाते हैं गलती से। तो उमादे को जब इस बात का पता लगता है तो ये जो है वो रूठी रहती हैं और आजीवन तक रूठी रहती हैं। अजमेर के तारागढ़ में रूठ के चली जाती हैं। और कहीं पर आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि मालदेव के जो ससुर थे यानी जैसलमेर के जो लूणकरण उमादे के पिता, तो ये जो है वो मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। और जब इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी तो इसी वजह से जो है वो मालदेव और उमादे के बीच में जो है वो संबंध बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इतिहास में क्या सही है ये हमें केवल इतना जानना है कि रूठी रानी के नाम से जानते हैं हम उमादे को। उमादे किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। ठीक है, मारवाड़ के राव मालदेव की पत्नी थी। इनके पिता का नाम था लूणकरण। मालदेव के दो सेनापति थे, एक थे जैता और कूपा। बहुत ही बहादुर थे ये। मालदेव के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया, मालकोट का किला जो कि नागौर में है, सोजत का किला पाली में है, पोकरण का किला जैसलमेर में है। ठीक है, और इसके अलावा जो है तारागढ़ जो है इसमें भी इन्होंने मरम्मत करवाई जो अजमेर में है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने जो है इसका नाम तारागढ़ रखा था। पहले जो है इसे अजय मेरु दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो मारवाड़ के जो शासक थे राव मालदेव, इनका विवाह किससे हुआ था? लूणकरण की पुत्री उमादे से हुआ था। तो एक बार उमादे के पास मालदेव ना जाकर गलती से दासी के पास चले जाते हैं तो उमादे जो है नाराज हो जाती हैं और अजमेर के तारागढ़ में चली जाती हैं। उमादे को मनाने के लिए मालदेव किसे भेजते हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्यों चली गई थी, इंपॉर्टेंट क्या है कि उमादे को मनाने के लिए मालदेव किसको भेजते हैं? ईश्वरदास बारट को भेजते हैं अजमेर के तारागढ़ में। लेकिन ये फिर भी नहीं आती हैं, आजीवन रूठी रहती हैं और अंत में मालदेव के साथ वहीं सती हो जाती हैं। उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालदेव जिन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। अब इनका जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है 1541 ईस्वी का, जिसे पाहोबा का युद्ध, पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध किसके बीच में होता है? एक तरफ है मारवाड़ के मालदेव और इनके सेनापति हैं बहादुर सेनापति जैता और कूपा। दूसरी तरफ है बीकानेर के राव जैतसी, इनके पुत्र हैं कल्याणमल और इनके साथ में है भीम। तो इनके द्वारा जो है वो आक्रमण किया जाता है मारवाड़ के मालदेव के ऊपर। तो यहाँ पर इस युद्ध में जो है क्या होता है, मालदेव जीत जाते हैं। 52 युद्धों के विजेता हैं ये। तो बीकानेर के राव जैसी जो हैं इस युद्ध में मारे जाते हैं। और ये जो इनके बेटे हैं कल्याणमल और भीम, ये कहाँ चले जाते हैं? शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। तो इसके बाद भी जो है यहाँ पर जाकर जो है ये शेरशाह सूरी को कहते हैं कि राव मालदेव से युद्ध करें। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। एक तरफ मारवाड़ के मालदेव हैं सेनापति, उनके प्रिय सेनापति हैं जैता और कूपा, और यहाँ पर दिल्ली के जो हैं वो शेरशाह सूरी हैं और साथ में कौन है? राव जैतसी की मृत्यु हो चुकी थी, इनके पुत्र थे कल्याणमल और भीम। तो ये दोनों जो हैं मिल जाते हैं शेरशाह सूरी के साथ और आक्रमण किया जाता है यहाँ पर राव मालदेव के ऊपर। अब ऐसे तो ये आसानी से जीत नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र क्या रचा उन्होंने? क्या किया कि शेरशाह सूरी ने ये देखा कि जैता और कूपा यही दो जो हैं वो वीर सेना
नायक है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है मालदेव के, सबसे पहले जो है इन्हीं को घेरे में लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि जैताकुपा के टेंट में जो है कुछ रुपए रखवा दिए और मालदेव को जो है वो पत्र लिखवा दिया कि देखिए आपके जो ये सेनापति हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ये हमारे प्रिय सेनापति हैं, वीर हैं, ठीक है, बहादुर हैं, तो इन्होंने क्या की है, रिश्वत ली है। तो मालदेव जो है वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं जब उनके पास टेंट में उनको रुपए भी देखे मिलते हैं, तो युद्ध छोड़कर वो वापस कहाँ चले जाते हैं, मारवाड़ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सेना कमजोर पड़ जाती है, तो शेरशाह सूरी जो है वो तुरंत यहाँ आक्रमण कर देता है, जैता और कूपा जो है वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि शेरशाह सूरी जो है वो इतनी आसानी से ये युद्ध नहीं जीत सकता था, षड्यंत्र का उसने सहारा लिया। उसने ये भी कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता, आसानी से ये नहीं जीत पाया था, लेकिन इसने क्या किया, षड्यंत्र किया, जब जाकर ये जीत पाता है, तो बहुत ही मुश्किल से जीत पाता है। इस वजह से ये कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत ही खो बैठता। शेरशाह जोधपुर पर आक्रमण करता है, मालदेव शिवाना मारवाड़ के शासकों की जो शरण स्थली है यहाँ पर चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब जैता और कूपा जो कि वीर सेनापति थे वो यहाँ पर अकेले रह जाते हैं, तो वो यहाँ मारे जाते हैं। वहां पर मालदेव जो है वो बिना सोचे समझे, बिना जैता कूपा के बारे में पूरी जानकारी लिए और ये वापस चले जाते हैं। तो यहाँ आक्रमण करता है शेरशाह सूरी जोधपुर पर, और जब मालदेव जो है वो अकेले रह जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है अचानक का आक्रमण का, ठीक है, तो ये कहाँ चले जाते हैं, सिवाना चले जाते हैं, जो कि मारवाड़ के शासकों की क्या थी, शरण स्थली थी। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु और मालदेव जो है वो वापस जोधपुर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है कि मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कुंभलगढ़ है और शिवाना मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली शिवाना जो कहाँ है, बाड़मेर में है। उसके बाद देखिए राव मालदेव के बेटे थे चार, जिसमें बड़े बेटे थे राम, उससे छोटे थे उदय सिंह, उसके बाद राव चंद्रसेन थे और फिर रायमल थे। राव मालदेव जो थे वो अपने बड़े बेटे राम और उदय सिंह से बिल्कुल जो है इनको पसंद नहीं करते थे, इनसे खुश नहीं रहते थे इनके गलत कामों की वजह से। तो इस वजह से उत्तराधिकारी जो है ना तो राम को बनाते हैं ना ही उदय सिंह को बनाते हैं, राव चंद्रसेन से ये हमेशा खुश रहते थे, इनको उत्तराधिकारी बना देते हैं जो कि इनका तीसरा बेटा होता है। अब तीसरे बेटे को बनाएंगे तो इनसे जो बड़े बेटे हैं वो हो जाएंगे नाराज, तो ये दोनों कर देते हैं विरोध और चले जाते हैं कहां पर, मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के लिए चले जाते हैं अकबर के पास। तो अकबर के द्वारा जो है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ पर जो है मारवाड़ में जोधपुर पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी जाती है और आक्रमण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुगलों से जो है वो आक्रमण अब स्टार्ट हो जाता है राव चंद्रसेन का। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राव चंद्रसेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।